needs to learn a lesson from Pakistani government. They are rewarding, honoring those people who they think have been pleading their case in J&K. Contrary to that, BJP is dishonoring, disrespecting the very same people, the very same Sheikh Saab, who was in the forefront of accession of Jammu and Kashmir to the rest of the country. Mufti Saab, who fought for the idea of India throughout his life. So, to ye to mujhe lagta hai ki isse badi to sharmnak baat nahi ho sakti hai. Shame on BJP for doing what they have done to Sheikh Saab. Nawab ji, Kashmir wala weekly akhbar ko band kiya gaya, uski website bhi block hai. Aap kis nazar se dekhte hain agar azadi sahafat ki baat kare? It's not only about, you know, ye khali jo hai Fahad Shah, jisko bechare ko 2 saal ho jayenge ab jail mein, uski ya Kashmir wala ki baat nahi hai. ये जितने भी प्रेस के पेपर हैं, जितने भी यहाँ हमारे आउटलेट्स हैं प्रेस के, उनके एडवर्टीजमेंट्स बंद है, उनको मकानों से बाहर निकाला जा रहा है. यहाँ सिर्फ एक जो मीडिया एडवाइजर है गवर्नर साहब का, हु इज अ प्राइवेट पर्सन, उसकी क्या अथॉरिटी है? सारा वो जो किसको ऐड देना है, किसको नहीं देना है, अखबार में किसकी खबर छपनी चाहिए, किसकी खबर नहीं छपनी चाहिए, या तो वो करता है, या तो वो था जो ग्रेटर कश्मीर में इनका बंदा था जिसके खिलाफ 25 FIR है. ये तो बड़ी बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, क्या कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलते हैं? इन्होंने तो कॉन्स्टिट्यूशन का बेड़ा कर रखा है. यहाँ तो कोई कानून नहीं चलता है. यहाँ जितने भी अखबार वाले हैं जो सच्ची बात कहना चाहते हैं, एडवर्टीजमेंट साथ है, उनको मकानों से खदेड़ा जा रहा है. और कुछ चंद अखबार है तो बोलते हैं जो इनका आवाज चलाते हैं, उनको एडवर्टीजमेंट देते हैं, उनको मकान दिए, उनको बोलो दिए हैं. और सारे फैसले यहाँ जो एलजी साहब का कोई मीडिया एडवाइजर है, वही सारे फैसले करता है, तो ये कैसे चलेगा? देखो वो क्या कहें, उनको हम ये बताना चाहते हैं, महबूबा मुफ्ती और उसकी जमात जम्मू कश्मीर में जितनी भी नाइंसाफियां होंगी, जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन को यहाँ सबवर्ट किया जाएगा, जितना भी यहाँ के लोगों पे जुल्म किया जाएगा, जितना भी हमारी जमीन को खुर्द करने की हमारी नौजवानों की जो भी नाइंसाफी होगी, हम लड़े क्या कहते हैं, चाहे उसे घरों से निकाल दे, कोई और इल्जाम लगाए, बट महबूबा मुफ्ती खड़ी रहेगी सामने जब तक मैं जिंदा.